जय जय श्री राधे, बोले श्यामा श्याम की जय। देखिए भाई, अब तक मैं बहुत चैप्टर आपको काम बेकार पे दे चुका हूँ और आज का एक विशेष चैप्टर है, वो है फ्रॉयड के अनुसार बचपन से ही लैंगिक आकर्षण स्वाभाविक है। लैंगिक का मतलब है स्त्रीलिंग पुरलिंग। फ्रॉयड ने अपने इस मत का प्रतिपादन कुछ ऐतिहासिक दृष्टांतों तथा कुछ बालकों के निरीक्षण से प्राप्त निष्कर्षों द्वारा किया है। और वो क्या किया है इस प्रसंग में, उन्होंने यूनान देश की एक पौराणिक कथा को भी उद्धृत किया है कि उस कथा में ओईडिपस नामक एक बालक ने अपने पिता का कत्ल करके अपनी माँ से शादी कर ली। इस वृतांत का हवाला देते हुए फ्रॉयड ने बालक का अपनी माँ के प्रति आकर्षण होता है उसे ओईडिपस कॉम्प्लेक्स का नाम दिया। इसी प्रकार फ्रॉयड ने अन्य एक कथा को भी नाम दिया। इसी प्रकार जिसमें कि इलेक्ट्रा नाम की एक बालिका ने अपने भाइयों से मिलकर अपनी माता का वध कर दिया। बालिकाओं में इस प्रकार से अपने पिता के प्रति आकर्षण को फ्रॉयड ने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की संज्ञा दी। इसके अतिरिक्त फ्रॉयड ने अनेकानेक बालकों और बालिकाओं के जीवन का अध्ययन किया। अध्ययन करने से यह भी बताया कि प्रारंभ से ही बालक तथा बालिका अपने शरीर से प्यार करते हैं। इसे फ्रॉयड ने नार्सिसिज्म क्या कहा, इसे फ्रॉयड ने नार्सिसिज्म का नाम दिया। फ्रॉयड कहता है कि बालक बालिकाएं अपने शरीर में ऐसे भागों को खोजते हैं जिनमें उन्हें इंद्रियां सुख मिले। इसे उनके सेल्फ इरोटिज्म की संज्ञा दी है। इस प्रकार की चर्चा करते हुए फ्रॉयड ने लैंगिक आकर्षण और बाद में काम को मनुष्य की मौलिक महत्वपूर्णता एवं स्वाभाविक वृत्ति माना और इस बात पर जोर दिया कि इस स्वाभाविक इच्छा की दबाया न जाए, इस स्वाभाविक इच्छा को दबाया न जाए। फ्रॉयड का कहना है कि मनुष्य मन का, इंद्रियों का, मन और इंद्रियों का दोनों का जो है तीन स्तरों को बांट दिया है। फ्रॉयड कहता है मनुष्य का मन अध्ययन करने के लिए हम उसे चेतन, अर्ध चेतन और अचेतन से उपमा देते हुए उन्होंने बताया कि जैसे ग्लोशियर का लगातार 6% 7% भाग पानी में डूबा रहता है,
और दिखाई नहीं देता, और पानी की सतह ऊपर का भाग जो कि कुल 1 से 7 ही भाग होता है दिखाई देता है, वैसे ही मनुष्य का चेतन मन और चेतनात्मक उनके कुल मानसिक व्यवहार और व्यापार का मानो केवल 1% 1.7% ही भाग होता है, परंतु उनका जो 6 और 7 अचेतन मन है 6.7 वह मनुष्य के व्यक्तित्व उसके वर्ताव उसके चरित्र उसके व्यवहार को बहुत ही प्रभावित करता है। उस अचेतन मन से मनुष्य की बहुत सी इच्छाएं बहुत सी कामनाएं दबी हुई सी पड़ी रहती हैं, अवसर तथा चेतन मन से स्वीकृति मिलने पर वे नाना रूप से अभिव्यक्त पाते हैं। फ्रायड ने इस बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए उपमा की रीति में कहा है कि मनुष्य का अचेतन मन एक देवड़ी अथवा एक दलान के समान है, एक दरवाजा, उस दरवाजे के अंदर ही सब कुछ दफन हो गया। 6.7 जो है वो सब अंदर ही दफन है, जिसमें कि बाहर से आए व्यक्तियों की तरह सभी प्रकार की इच्छाएं चेतन मन रूपी इसके बाहर से आप व्यक्तित्व की तरह सभी प्रकार की इच्छाएं चेतना रहे और चेतन मन रूपी कोठी में जाने की इंतजार में ही होती कि इससे बाहर निकल जाए, परंतु बीच में के जो बीच में क्या है, बीच का दरवाजा, बीच में जो दरवाजा है, बीच वाला दरवाजा जो है, बीच के दरवाजे पर खड़ा हुआ सेंसर रूपी चौकीदार, सेंसर रूपी चौकीदार उन्हें अंदर जाने से रोके रहता है, अंदर या बाहर। इस प्रकार व्याख्या करते हुए फ्रायड ने कहा कि सभ्यता संस्कृति परंपरा सामाजिक मर्यादा रीति रिवाज की चेतना मनुष्य की अनेक प्रकार की इच्छाओं को इसीलिए अव्यक्त पाने से रोकती है, वास्तव में ये अचेतन नहीं, इसीलिए बाद में फ्रायड ने इसे अनकॉन्शस की वजह है इड नाम दिया कि समाजों ने अच्छा नहीं मानता, जब समाज अच्छा नहीं मानता फिर सामान्यतर में ये इच्छाएं रूप बदल बदल कर अथवा लुके छिपे अभिव्यक्त हो जाती है। यदि उन्हें अभिव्यक्त करने की वजह दबा दिया जाए तो इससे मनुष्य को कई प्रकार का मानसिक रोग और उनमें कई असाधारण लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। हमारे जो इस समय के बच्चे हैं उन बच्चों के अंदर देखा गया है कि लड़की का लगाव पिता की तरफ और पिता का लगाव लड़की की तरफ,
बेटे का लगा माँ की तरफ और माँ का लगा बेटे की तरफ पाया गया है। और उन गुणों को अगर हम विकसित नहीं होने देते, उन पर प्रतिबंध लगाते हैं, अपनी रहन सहन अपनी सभ्यता के मुताबिक चलाते हैं, तो क्या होता है, उनके गुण उस सेंसर रूपी दीवार से टकरा के लौट जाते हैं, अंदर के अंदर रह जाते हैं और उनके अंदर की इच्छाएं प्रवृत्त नहीं होती, इसलिए वो मनोरोगियों के लक्षण उनमें उत्पन्न हो जाती हैं, अनेक मानसिक बीमारियां उत्पन्न होती रहती हैं। हमें उन सब को रोकना है, उत्पन्न होने से रोकना। मनुष्य के अचेतन मन जिसमें इच्छाएं उठती हैं उनको फैट इड का नाम देता है और समाज की मर्यादाओं की परंपराएं इत्यादियों को चेतना मनुष्य का सुपर ईगो, क्या है, सुपर ईगो, इड के बाद सुपर ईगो कहलाती है। इच्छाएं सदा ईगो में ही जाकर अव्यक्त होना चाहती हैं, परंतु सुपर ईगो ईगो को स्पर्श करने के लिए, ईगो को स्पष्ट करने के लिए, सुपर ईगो ईगो को प्रकट करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए रोकती है। इस प्रकार मनुष्य के ईगो और सुपर ईगो में सदा एक द्वंद चलता ही रहता है, इस काम को करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, इस प्रकार मनुष्य के ईगो सुपर ईगो को सदा एक द्वंद ईगो ही कहा जाता है, चलता ही रहता है। जो कि मनुष्य के स्वाभाविक विकास के लिए हानिकारक है, इस प्रकार से फाइल वासना की इच्छा को रोकने से मना करती है कि जो इच्छा है अच्छी या बुरी उसको सामने प्रकट करो, उसे हृदय में मत छुपाओ। कितने भाव से मैंने आपको समझाया है, क्या आप अपने ईगो को फेल मत होने, और परंतु ईगो ईड और ईगो जब दोनों मिलते हैं तो एक ईगो ऐसा है जो बाहर निकलना चाहता है, एक मन ऐसा है जो अंदर ही रोक रहा है, एक मन ऐसा जो बाहर निकाल रहा है, एक मन ऐसा है जो अंदर ही रोक रहा है। अब बताइए इन दोनों के उलझन में बच्चा कहाँ जाएगा, जीवन कहाँ जाएगा, बीमारियों में ही ध्वस्त हो जाएगा। इनसे बचना है, और इसके साथ साथ ही मैं आज के चैप्टर को यही ख़त्म करते हुए अगला चैप्टर दूंगा आपको, फ्रायड ने इस मत के भयंकर परिणाम, फ्रायड के इस मत के भयंकर परिणाम के इस कि कैसे कैसे परिणाम निकले ऐसा करने से, और वो अगला चैप्टर 26वां मैं जल्दी ही आपको दूंगा। मुझे उसके लिए अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब और वेलकम की आवश्यकता है, रोज रोज। जय जय श्राद्धे, मैं आपको एक चैप्टर देता ही रहूँगा, श्राद्धे राधे।